नमस्कार मित्रों, और कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से होंगे। मित्रों, आज हम सतीश भाई के घर पे आए हुए हैं और अभी सतीश भाई अपने खेतों पर घुमाने के लिए लेकर के आए हैं, और यहां रास्ते में ही चल रहे थे तो हमें अभी एक ऐसी जड़ी के बारे में पता चला, वो पौधा हमें दिख गया तो हमने उसे अभी उखाड़ा है। मित्रों, जो कि वशीकरण के लिए नंबर एक काम करता है। सतीश भैया जी, दिखाना उस जड़ी को। इतनी रामबाड़ जड़ी, जो कि आप सब लोग इसके बारे में जानते होंगे, इस पौधे को देख करके आप पहचान लो। इस पौधे को कहते हैं काली मकोई। कहते हैं कि जिसको किसी भी पेड़ के बारे में जानकारी न हो तो वो सब हमारे और आपके लिए घास कूड़े के समान है। अगर जिस पौधे के बारे में पता चल जाए और उसके गुण पता चल जाए कि ये किस कार्य के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो मित्रों ये जो पौधा है, ये काली मकोई का पौधा वशीकरण में नंबर वन काम करने वाला है। और ये मेरा प्रैक्टिकल किया हुआ खुद का है। एक बार नहीं, कई बार इसका प्रयोग किया है और आज तक इसका प्रयोग कभी खाली नहीं गया है। आप मकोई का पौधा तलाश कर लो, जहां आपको अपने खेतों पर, रोड के किनारे, जंगल झाड़ियों में, जहां भी आपको दिख जाए, तो इस पर देखो काली मकोई का जो पौधा होता है उसमें काली मकोई आती है, छोटी छोटी गोल गोल टाइप की। एक मकोई होती है जिसके ऊपर एक हरी आती है जो कि मोटी होती है, लेकिन ये काली वाली मकोई का पौधा आप तलाश कर लो। और ये पौधा जड़ से लेकर के फुलक तक तमाम चमत्कारी गुणों से भरपूर है। आयुर्वेद की बात करें तो ये पौधा रामबाड़ की तरह काम करता है। किसी भी स्त्री या पुरुष को शरीर के किसी भी भाग में सूजन आ जाती है तो इस पौधे की ये पत्तियां जो है तोड़ करके, इसका रस निकाल करके 10-15 ग्राम की मात्रा में आप पी लें तो आपके शरीर की सूजन तत्काल कम हो जाती है। दिन में 3 बार सेवन करने से आपके पूरे शरीर की सूजन खत्म हो जाएगी। ये आजमाया हुआ प्रयोग मैं बता रहा हूं आपको। और दूसरी बात, ये फल जो आप देख रहे हैं काले काले, ये देखिए, काली जो मकोई है पेट के सभी प्रकार के रोगों का नाश करती है। पेट में किसी भी प्रकार का कोई रोग है, अगर अपच है, गैस बनती है, दर्द रहता है, या पाचन क्रिया आपकी कमजोर है, खाते पीते हैं लेकिन पचता नहीं है, आप इसके मकोई के काले फल खा करके देखिए, आपको 3-4 दिन के अंदर ही इसका परिणाम देखने को मिल जाता है। आयुर्वेद के साथ साथ ये पौधा वशीकरण में भी काम करता है, और वशीकरण में सिर्फ इसकी जड़ काम करती है। और वो कैसे करती है, थोड़ा ध्यान से समझ लें। इसकी जड़ वाला भाग दो भैया। मित्रों देखिए, ये काली मकोई का जो जड़ है, आप इसे किसी भी शुक्रवार के दिन सुबह 9 बजे इस पौधे के पास जाकर के इसको आमंत्रित करके, और इसके ऊपर 5 बूंद इत्र की डाल करके इसको उखाड़ करके ले आए, और लाने के बाद में इसको पहले गंगा जल से धो करके साफ करें, और साफ करके इसको सुखा लें। सुखाने के बाद में इसको पीस करके इसका भस्म बना लें। अब इस भस्म में आप जिस किसी स्त्री या पुरुष का वशीकरण करना चाहते हैं, उस व्यक्ति के बाएं पैर के नीचे की मिट्टी कैसे भी प्राप्त कर लो आप, उस मिट्टी को आप इसी भस्म में मिला लें, और थोड़ी सी अपामारक के जड़ की भस्म इसी में मिला लें। और अपामारक के बारे में तो आप सब लोग जानते होंगे कि वशीकरण में नंबर वन काम करने वाला है। और अपामारक के तमाम वीडियो आपने देखे होंगे, लेकिन इसका वीडियो शायद आप पहली बार देख रहे होंगे। आप इस जड़ी का और अपामारक की जड़ी का और व्यक्ति के पैर के नीचे की एक चुटकी मिट्टी इसका इस्तेमाल करके देखना। इनको सबको मिश्रित करके ओम नमो उर्वशी अप्सरा मम वश्यम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा, बीच में इसमें अमुक शब्द देना है,
और अमुक की जगह पर उस व्यक्ति का नाम लेना है और इस मंत्र से मात्र 41 बार जाप करके और इस भस्म पर फूंक मार लेना है। यह कार्य आपको रात्रि को 9 बजे करना है। फिर इसके बाद में आप किसी भी शुक्रवार या शनिवार को किसी भी व्यक्ति के ऊपर इसमें से एक चुटकी भस्म डाल देंगे, वो व्यक्ति आपके प्रभाव में आ जाएगा और तत्काल आपकी बात मानने को तैयार हो जाएगा। अगर इस जड़ी को किसी मीठी वस्तु में, जैसे बर्फी है, खीर है, ऐसी चीज़ों में अगर आप एक चुटकी मात्र खिला देते हैं, वो व्यक्ति आपके प्रभाव में आ जाएगा और आपकी हर बात मानने को तैयार हो जाएगा। यह पौधा बहुत ही रामबाण की तरह काम करता है। अगर आपके आसपास में कहीं भी ये काली मकोई का पौधा मिल जाए तो इसकी जड़ शुक्रवार के दिन सुबह 9 बजे निकाला रहा। और जैसे मैंने विधि विधान बताया है वैसे ही इसका प्रयोग करना, और एक बार प्रयोग करके आप देख लेना कि सामने वाला व्यक्ति आपके प्रति सरेंडर हो जाएगा और हमेशा हमेशा आपकी गुलामी करेगा। यह इतनी रामबाण जड़ी है, इसका एक बार प्रयोग जरूर करें और इसका पूरा पूरा लाभ लें। तो आशा करता हूँ कि मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।